अपराधियों के ऊपर एक ऐसा सख्त कानून बने कि जान के बदले जान और इज्जत के बदले इज्जत। प्रगति तो एक न एक दिन अपना वर्चस्व कायम करेगी ही, लेकिन सरकार का दायित्व तो बनता है कि ऐसे अपराधियों के ऊपर लगाम लगावे और उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए। इस समय जो हमारे देश में एक जो है घटनाक्रम में चला आ रहा है महिला उत्पीड़न में अभी ये जो मणिपुर की घटना है, इसमें 3 महिलाओं के ऊपर घोर निंदनीय अपराध किया गया, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और हेलना करते हैं। और सरकार से मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि एक प्रांत में अगर इस तरह घटनाएं घटेगी, एक समाज दूसरे समाज के ऊपर हावी होगा। जैसे उसमें हमारी जानकारी में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि मैतेई समाज के ऊपर एक ये कुकी समाज जो है हावी हो रहा है, जो घोर अपराध की श्रेणी में आ रहा है और ये घोर निंदनीय है। महिला उत्पीड़न सदियों से चला आ रहा है और महिला आद शक्ति का रूप होती है। जिस दिन महिलाओं में आक्रोश जागृत हो जाएगा, उस दिन महिलाओं को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि ऐसे अपराधियों के ऊपर एक ऐसा सख्त कानून बने कि जान के बदले जान और इज्जत के बदले इज्जत। ऐसे अपराधियों को जेल में डालने से सलूशन नहीं है, इनको तो तत्काल मृत्यु दंड ही सरकार को देने के एक नियम कानून बनाना चाहिए, मेरा ये सोच है। बाकी सरकार सक्षम है। और बातें ये है कि डिजिटल इंडिया सरकार ने बहुत अच्छा किया, इससे बहुत लाभ है बच्चों को, लेकिन ये कई कंपनियां जो बार बार इसमें बीच बीच में गलत तरीके के गलत ढंग के जो प्रचार आते हैं, जो अश्लील फोटो अश्लील वीडियो आती हैं, इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। सरकार को इस विषय में ध्यान देना चाहिए और ऐसा प्रतिबंध लगाना चाहिए कि इस मोबाइल का और डिजिटल इंडिया का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। महिला उत्पीड़न ये जनता से बर्दाश्त नहीं होगा। और प्रगति तो एक न एक दिन अपना वर्चस्व कायम करेगी ही, लेकिन सरकार का दायित्व तो बनता है कि ऐसे अपराधियों के ऊपर लगाम लगावे और उनको मृत्युदंड मिलना चाहिए। ये लवकुश गुप्ता जनपद चित्रकूट से अपनी बात रख रहा है। लवकुश गुप्ता की सोच है और सरकार से करबद्ध प्रार्थना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे घोर अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।